राशाल आपल्या हक्काचा नाही कुणाचा बापाचा, राशाल आपल्या हक्काचा नाही कुणाचा बापाचा। येतो एक आंगळा ये जिंदाबाद। दोस्तों, मैं वसीम पठान आप सभी का हमारे चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा ये चैनल सरकारी स्कीम्स की जानकारी देता रहता है, लेकिन इस वक्त हमने राशन का विषय छेड़ रखा है और उस पर भरपूर जानकारी दे रहे हैं ताकि लोगों को दो टाइम की रोटी राशन के सिस्टम द्वारा आसानी से मिल सके। दोस्तों, आपने थंबनेल पढ़ लिया, टाइटल पढ़ लिया और नारेबाजी भी सुन ली, इससे आपको अंदाज़ा लग चुका होगा ये चैनल चाहता क्या है। दोस्तों, ये चैनल जो है इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता है कि गवर्नमेंट जो हमें हक दे रही है, जो दो टाइम की रोटी का राशन सिस्टम द्वारा हमको हक दे रही है, वो हमको मिलना चाहिए। जो राशन दुकानदार और बीच में कुछ बैठे ऑफिसर्स जिनकी लापरवाही की वजह से हमें नहीं मिल पाता है, और उसमें लापरवाही हमारी भी होती है कि हमको जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से दो टाइम का जो राशन है, दो टाइम की जो रोटी गवर्नमेंट हमें देना चाह रही है, वो हमको नहीं मिल पाता है या हमको लेना नहीं आता है। तो उसको किस तरह से लिया जाए, अपने अधिकार की लड़ाई कानून के दायरे में रहकर किस तरह से लड़ा जाए, हम वही इस चैनल के माध्यम से लोगों को सिखाना चाहते हैं। और मैंने देखा है लोगों को इस चैनल के माध्यम से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि राशन दुकानदार का जो कोटा है वो हम घर बैठे अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर कैसे चेक करेंगे। तो वो आज मैं दिखाऊंगा आपको, आज हम ये दिखाएंगे। जो राशन दुकानदार झूठ बोलते हैं कि हमको अनाज पूरा नहीं आ रहा है, हम आपको नहीं दे सकते, तो हम डायरेक्ट उसका रजिस्टर ऑनलाइन खोलेंगे और उसको डायरेक्ट देख सकते हैं कि उसको किस इस महीने में कितना अनाज आया हुआ है, कितना चावल, कितना गेहूं, कितना घासलेट आया है। और ख़ुद का भी हम वही डायरेक्ट ऑनलाइन नाम सर्च करके ढूंढेंगे। इतने बड़े रजिस्टर में हम ऑनलाइन ढूंढने में बहुत दिक्कत आएंगी। मैं आपको नया सिस्टम दिखाऊंगा जिसमें से आप डायरेक्ट अपना नाम सर्च करके डायरेक्टली अपने उसके रजिस्टर पर जा सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको अक्सर इस चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पर देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है और आप अपने अधिकार को ले सकते हो। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम सीधा चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें आ जाना है कंप्यूटर पे। ये वेबसाइट जो है मोबाइल पर नहीं चलेंगी, कंप्यूटर पर चलेंगी। कंप्यूटर पर आने के बाद हमें क्रोम ब्राउज़र में आना है और महाफूड सर्च करना है। सबसे ऊपर की पहली लिंक जो आएगी उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही साथ हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज सामने आ जाएगा और उस पेज पर हमें जाना है। तो इस पेज पर सारी डिटेल्स है, मैं एक एक पोर्टल के बारे में आपको समझाता रहूँगा, लेकिन इस वक्त जो जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ वो आप देख सकते हो। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ नीचे देखिए, सबसे नीचे स्क्रॉल करके आना है। ये तीर का निशान देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे न्यू का एक बटन क्लिक हो रहा है, न्यू, उस पर क्लिक करना है तो आप एक नए पेज पर आ जाओगे। नए पेज पर आएंगे, यहाँ पे देखिए एक मैंने निशान बना रखा है, वहाँ पर आपको आना है, अलोकेशन पर आना है और उस पर आके आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ क्लिक करोगे ये आपको नए पेज पर ले जाएगा। यहाँ से अपना राज्य यानी कि महाराष्ट्र वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कैप्चा को टाइप करना है। हम जो कैप्चा है जिस स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में जैसा लिखा है उसी तरह से टाइप करके हमको सबमिट कर लेना है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरह का पेज आ जाएगा जहाँ पे हमको हमारा कौन से महीने का कोटा चेक करना है दुकानदार का वो बताया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ख़ास बात बता दूँ, हम रनिंग मंथ का कोटा चेक कर सकते हैं, ओल्ड मंथ और आने वाले नेक्स्ट मंथ का नहीं चेक कर सकते। तो फरवरी में हम अभी रनिंग मंथ में इसको मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमको डिस्ट्रिक्ट लेना है, 2000 ये सॉरी अपना ज़िला ले लेना है। इसके बाद में हमारे पास में दुकान नंबर सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ से आपका दुकान नंबर जो होगा आपके राशन कार्ड पे लिखा है, वहाँ से आप दुकान नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। दुकान नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और आपका जो महीने का देखना चाहते हो, फिर से बता दूँ सिर्फ रनिंग मंथ का चेक कर सकते हैं। ये सर्च हो रहा है, देखिए ये सर्च होते ही साथ हमने सेलेक्ट किया पूरा और ये आ गया। और ये जो ऊपर मैंने बॉक्स बनाया हुआ है रेड कलर का, ये सबसे पहले दुकानदार दुकान नंबर, उसकी FPS ID और यहाँ पर जो है
जहाँ पे मैंने ब्लू कर रखा है, ये है उसका कोटा। यहाँ पे पूरा उसको इस महीने में कितना कोटा दिया गया वो दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए उसको कितना चावल आया दुकानदार को, कितना गेहूँ आया, ये सबसे ऊपर की जो लिस्ट है ये दुकानदार की है, ये कितना उसके पास टोटली आया आप यहाँ पे देख सकते हो जूम करके अपने कंप्यूटर में। फिर इसके नीचे से ये देखिए राशन कार्ड खुल रहा है, ये इस राशन कार्ड के ऊपर कितना अनाज एलिजिबल है और उसको क्या क्या दिया जाता है ये दिख रहा है। उसमें SRC नंबर दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। ये दूसरा फैमिली मेंबर, तीसरा फैमिली मेंबर, चौथा फैमिली मेंबर, लाइन से पूरी लिस्ट खुली हुई है। जो सबसे ऊपर था वो दुकानदार का कोटा था और उसके नीचे हर एक के नाम के आगे उसका पूरा कोटा है और PHS कार्ड है, NPH है, जो कुछ भी उसकी कैटेगरी कार्ड की वो लिखा हुआ है, SRC नंबर तक के दिया हुआ है ना। तो ये पूरा आप स्क्रॉल करके पूरा रजिस्टर उसका खुल चुके हैं, NPH, PHS, BPL, अंत्यदेव, अन्नपूर्णा, पूरे राशन कार्ड इसमें खुल गए। आप पूरा देख सकते हो, यहाँ के इसको प्रिंट भी ले सकते हो। ये जो बॉक्स है देखिए यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप इतने बड़े रजिस्टर में नहीं ढूंढ पा रहे हो तो सीधा सीधा अपना कार्ड होल्डर हेड ऑफ़ फैमिली का नाम सर्च कर ले, किसके नाम से कार्ड है उसका नाम सर्च करें, उससे रिलेटिव जितने नाम होंगे वो सारों की लिस्ट खुल जाएंगी। अगर आपने यहाँ पे एक सर्च की है, फॉर एग्जांपल आपने वसीम सर्च किया है, तो वसीम नाम से जितने भी उसकी दुकान में कार्ड होंगे वो सारे आ जाएंगे, उसमें से आप जो है अपना वो चेक कर सकते हो, आपका जो है आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर आपने दूसरा नाम सिलेक्ट किया, वसीम सिलेक्ट किया, तो पूरे वसीम नाम के जितने कार्ड होंगे सारे शो कर देंगे ऊपर, और उसका कोटा भी शो करेगा, SRC नंबर भी शो कर देगा, कैटेगरी PHS है, NPH है, APL है, जो भी कार्ड होगा वो कैटेगरी भी ऊपर शो कर रही है। आप उसको जूम करके अपने कंप्यूटर में आसानी से देख सकते हो। अब हम दूसरा सर्च कर रहे हैं, देखिए एक सरनेम के साथ गुप्ता सरनेम से हम सर्च कर रहे हैं, अगर नाम से नहीं आ रहा है तो गुप्ता सरनेम देखेंगे, जितने गुप्ता सरनेम वाले होंगे सब ऊपर आ जाएंगे। जितना अगर हम पाटिल सरनेम से सर्च करते हैं तो जितने पाटिल होंगे वो पूरे पाटिल सरनेम ऊपर आ जाएंगे। यहाँ प्रिंट का बटन है, हम यहाँ से PDF ले सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है, आप ना चेक कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।